और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त बिजनौर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बड़ा हमला इन्होंने मायावती पर किया है। उन्होंने कहा है कि मायावती मुसलमानों के वोट बेच रही हैं और इससे पहले भी मायावती ऐसा ही करती रही हैं। हम आपको यह भी बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी मायावती का राइट हैंड कहा जाता था, लेकिन आखिरकार अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में। आज नोट कर लो, जिस दिन गिनती होगी दूसरे दिन सबसे पहले तुम्हें गाली दी जाएगी जी। दूसरे दिन सबसे पहले तुम्हें गाली दी जाएगी और तीसरे दिन अगर इनकी पूरी यूपी में 2-3-4 जो भी एमपी जीत गए, अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को जरूरत पड़ी अगर वहां जाके ना बैठ जाए तो मेरे दोस्तों मुझे फिर अपने घर में कभी गांव में घुसने मत देना। मैं जानता हूँ बहन जी को जितना मैं जानता हूँ, बहन जी भी अपने आप को नहीं जानती। आप कह रहे हैं कि उसको जो जालिम को हराए उसको वोट दे दो, और जो आपके वोट से जालिम को हरा के और जालिम की गोद में बैठ जाए तो फिर सीधा तो भाजपा को वोट दो ना। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, आज जबकि बिजनौर में मतदान हो रहा है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि जितना मायावती यानी बहन जी खुद को नहीं जानती मैं उन्हें जानता हूं, कि वो मुसलमानों के वोट लेकर वक्त पड़ा तो बीजेपी के साथ भी बैठ सकती हैं। दरअसल आज जबकि मतदान हो रहा है, क्या कहने और जताने की कोशिश, क्योंकि अब वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही बात कही। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो बात कही है कि मायावती को मैं सबसे ज्यादा जानता हूं और मायावती के सबसे ज्यादा करीबियों में से रहे, इतनी बार उनकी सरकार बनी, नंबर टू के मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश सरकार में, और काफी नजदीकी से मायावती को जानते हैं। और जो उन्होंने आरोप लगाया कि 10 करोड़ लेती हैं और अब 30 करोड़ लेकर वो टिकट बेच रही हैं और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बड़ा वार निजी तौर पर किया है मायावती के ऊपर, क्योंकि वो एक चीज जानते हैं मायावती के बारे में। निश्चित तौर पर आज जब वोट पड़ रहा है और इस तरीके के जो बयान आए, कहीं ना कहीं इस पर सियासी पलटवार भी होगा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मन की बात एक तरीके से कहा जाए तो बाहर आ गए। शुक्रिया अजीत। तो ये मायावती के उस बयान को लेकर पलटवार है जो देवबंद में उन्होंने मुसलमानों से एक मुश्त वोट गठबंधन को करने की अपील की थी।